अग्रवाल करके है, एक देखिए पेज है, उस पर सर्च करके देखिएगा कितना गंदा लिखा है। आप देखिए मेरे ध्यान, अभी इस बहनों को मैं एक बधाई देती हूँ कि हम लोग पहली बार अभी जो नए मतदाता जोड़े गए ना, नए मतदाता बने, यानी 52 लाख 8 हज़ार नए मतदाता बने हैं। उसमें आप देखिए कि पुरुष जो बने हैं मतदाता 23 लाख 92 हज़ार और 28 लाख 82 हज़ार महिलाओं के वोट, यानी उन नई बेटियों और बहुओं के वोट हैं। कि पहली बार आप जानते हैं कि हमारे देश में हमारा कितना परसेंटेज कम था। पहली बार मोदी जी के प्रयास से और योगी जी के प्रयास से हमारी बहनों का, बेटियों का, महिलाओं का जो परसेंटेज बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटियों का परसेंट, यानी खुले आसमान में बेटियां जी रही हैं, बहनें जी रही, उसी का ये कारण है कि आज परसेंटेज बढ़ा है, तो केवल केंद्र और प्रदेश सरकार की वजह से। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ बैठी एक भी बहन और बेटी को डरने की आवश्यकता नहीं। डरने की आवश्यकता किनको है, जो प्लाटों पे कब्जा करते थे, जमीनों पे कब्जा करते थे, सरेआम बेटियों को उठाते थे, महिलाओं को बेइज्जत करते थे, और किसान अपनी फसल को बेच के जाते थे, उनका रुपया छीन लिया जाता था, और बैंक से कोई व्यापारी अपना पैसा निकाल के जाता था, उनका भी बीच में लूट लिया जाता था। तो डरने की उनको जरूरत है, जो जो गुंडा और माफिया और मवाली थे, हमारे योगी जी ने उनके घरों में देखिए बुलडोजर चलवाने का जो काम किया है, आपने देखा होगा, निश्चित तौर पर उन्हीं को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूं कि अगर यहां बैठी सभी बहनें अपना अपना मोबाइल निकाल लें, सभी बहनें। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूं कि केवल उत्तर प्रदेश की लड़की के लिए उनका लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जहां जहां उनकी सरकारें हैं और वहाँ वहाँ वो उन्होंने तो अपने दल के नेताओं को और अपने दल के विधायकों को पहले संस्कारित करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की चिंता ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार चिंता कर रहे हैं। सरकार बनते ही महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबी पर लगातार काम कर रहे हैं, और हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं अपनी बहनों के बीच में। आज उसी के निमित्त में मैंने यहाँ पर हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन के रूप में मैं आई हूँ, और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का निकलना ये एकमात्र विश्वास नहीं है, मुझे पूरी तरीके से ये है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बेटियाँ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को घमंडी बताया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो इस तरीके से चाहे घमंडी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उनको ये जो लोकप्रियता पसंद नहीं कर पाते।